Dear students, good morning. आपका इंटरनेशनल पीजी कॉमर्स क्लास में फिर से स्वागत है. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में, इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर के बारे में बात की थी. आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स के. किसी बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स, पहले इंटरनल की बात की आज एक्सटर्नल की बात करेंगे. एक्सटर्नल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको डिसीजन को प्रभावित करते हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले बहुत सारे हैं, वो फिजिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, बहुत सारा एनवायरनमेंट इसके अंदर हम पढ़ेंगे. थोड़ा फटाफट चलेंगे इसलिए. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की. तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है? फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना. तो अगर अपन जरूरी नहीं है तो बिजनेस की अगर बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो जनरली जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो छूने के लायक नहीं होता है. यू कांट टच द एनवायरनमेंट. इसलिए इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, फिजिकल मतलब टच होने वाले जो. ठीक है, एनवायरनमेंट को आपके आपके सामने क्लाइमेट पड़ा है, धूप हो रही है, वर्षा, कुछ भी, आप धूप को छू सकते हो या नहीं छू सकते, बट उसको महसूस किया जा रहा है ना. तो आप लेकिन ये फिजिकली आपके सामने अवेलेबल है, इसीलिए इसको फिजिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है. तो ऐसा एनवायरनमेंट जिनको आप महसूस करते हो या यूज करते हो वो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट्स. अब आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ आपका बिजनेस है, वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार दिया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब उसको दवाई को स्टोर करने के लिए फ्रीजर्स की जरूरत पड़ती है. अगर मैं राजस्थान में लगाऊंगा या और भी जगह लगाऊंगा तो मुझे फ्रीजर्स खरीदना पड़ेंगे और उनको फ्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर यही मैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में लगाता हूँ तो क्या होगा? वहाँ नेचुरल फ्रीजर अवेलेबल है गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, भगवान की तरफ से, तो वहाँ मुझे फ्रीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, कहीं ना कहीं वो मेरे थोड़ा सा प्रॉफिट देके जाएगा चीज. मुझे जो फ्रीजर की कॉस्ट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी, उसकी वो सब कॉस्ट कम हो जाएगी, फ्रीजर वाली दिक्कत नहीं आएगी. और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है, तो आपका जो बिजनेस है वो हिसाब से किया जाएगा. राजस्थान में अगर आप एसी बेचोगे तो बिकेगा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में जाके एसी बेचोगे तो नहीं बिकेगा. ठीक है ना, तो सबका मार्केट अलग अलग होता है. आपका नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वो आपके आगे जाके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. सही चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसमें क्या आ गया, आपके रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, है ना, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है ना, ये सब चीजें कैसे अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्या बताएंगे, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका वाटर है, ये सब चीजें अवेलेबल है या नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी में भी आपका बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. अगर आपके पास ये तीनों चीजें प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रो कर पाएगा. अगर नहीं है तो आपको बहुत सारा पैसा आपको सिर्फ इन चीज़ों को जुटाने के लिए खर्च हो जाएगा. क्यों? रोड नहीं है, आपका जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो फिर आपको जनरेटर से आपको खरीदने पड़ेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो वाटर नहीं है, बिना वाटर का सारा कोई काम होता ही नहीं है, तो भी फिर आपको टैक्स डलवाने पड़ेंगे, है ना, टैक्स वगैरह डलवाने पड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर देता है. तो जो भी डिसीजन आपको लेते हैं उनको ये दोनों इफेक्ट करते हैं. और तीसरा आता है लैंडस्केप. लैंडस्केप क्या होता है कि आपका जो एरिया है वो कैसा है, पहाड़ी इलाका है, समतल मैदान है, रेगिस्तानी इलाका है, कोई डीप जगह पे है, डीप फॉरेस्ट है, क्या है, तो आपका लैंडस्केप कैसा है, पहाड़ी इलाका है, कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये थे कुछ आपके फिजिकल एनवायरनमेंट. फिर अपन आता है इकोनॉमिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान रखना. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट, सोशल इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं अपन, तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है इन दोनों के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, बाकी आप शॉर्ट में भी करेंगे तो भी चलेगा. तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है इकोनॉमिक सिस्टम. आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, क्या वो ना कैपिटलिस्ट है, आपकी इकोनॉमी जो है क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसको अपन कहते हैं पूंजीवादी, क्या सोशलिस्ट है जिसको अपन कहते हैं साम्यवादी या समाजवादी. और तीसरा आता है आपका मिक्स, मिश्रित,
जो भी आप काम करोगे इन तीनों इकोनॉमी को, आपकी इकोनॉमी कौन सी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड है। कैपिटलिस्ट में सारा जो कुछ है प्राइवेट के हाथ में है ना बिजनेस, सोशलिस्ट में सारा बिजनेस गवर्नमेंट के हाथ में, मिक्स में दोनों के पास है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है और उसकी वजह से आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हूँ तो मेरे पास गवर्नमेंट तरफ से फ्रीडम ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट तरफ से फ्रीडम ज़्यादा होगी, मैं बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाऊंगा, मुझे फैसिलिटीज मिल जाएगी। सोशलिस्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं अगर बिजनेस चालू करना भी चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। और मिक्स है तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन गवर्नमेंट पॉपुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉपुलेशन हमारे पास रहेगा, फ्री हैंड नहीं रहेगा, तो उसको देखते हुए आपको डिसीजन लेने हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है बहुत सारी है, ट्रेड पॉलिसी है आपकी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, बहुत सारी पॉलिसी है, ठीक है ना। तो आप कौन सी पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी है आपकी, GST आ गई, फर्क पड़ेगा उसकी वजह से। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी कैसी इकोनॉमिक को लेंगे वो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। GST आया, GST की वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव आया, सॉरी पॉजिटिव आया तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत कुछ आया, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ इकोनॉमी, नेचर ऑफ इकोनॉमी में तीन चीज़ आ जाती है, आपके नेचर कैसा है इकोनॉमी का, क्या डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित विकसित अर्थव्यवस्था है, क्या डेवलपिंग है जिसको कहते हैं विकासशील, क्या वो अंडर डेवलप्ड है, अविकसित। आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, नेचर ऑफ योर इकोनॉमी, क्या डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, उसको देखेंगे। कई बार ये सब चीजें जो होती है आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। अगर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ गवर्नमेंट से ज़्यादा कुछ अवेलेबल होगा, आपके पास पैसा भी ज़्यादा होगा। अगर डेवलपिंग है तो थोड़ा कम होगा, अंडर डेवलप्ड है तो बहुत कम होगा। तो डिसीजन आपको उसके देख के लेना, ये है आपको इफेक्ट करते हैं। फिर लॉ, उससे चैप्टर लॉ होगा संविधान, संविधान वो कौन कौन से नियम बनाए, बिजनेस लॉ कंपनी लॉ पढ़ते हो आप लोग है ना, कंपनी लॉ के वजह से कहते हैं अगर आपको कंपनी बनानी है, पब्लिक कंपनी बनानी है मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। अब 7 मेंबर होंगे तो आप कर सकते हो, 4 मेंबर मिलकर आप अपनी पब्लिक कंपनी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको देखेंगे लॉस क्या क्या बनेंगे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो लॉ भी आपको कहना चाहिए करते हैं। कंज्यूमर फैक्टर बहुत बड़ा आ गया, सबसे बड़ा फैक्टर ये उसमें पैसा आ गया, उनकी इनकम आ गई, ठीक है ना, इनकम है। उसके बाद उनका जो परचेजिंग पावर है वो तो चला गई इनकम के अंदर उनका, हाँ परचेजिंग पावर, खर्च करने की ताकत जो है वो कितनी है, क्या पता इकट्ठा करने की ताकत है, खर्च करते नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, कंज्यूमर फैक्टर भी कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोन्स, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज, ये कितना अवेलेबल है, सबसे बड़ी चीज़ है लोन या कैपिटल की बात करें, कैपिटल आपके पास कितना अवेलेबल है, चाहे वो खुद का कैपिटल हो चाहे लोन लेके आप ले जाए, उससे रिसोर्सेज कितने आपका अवेलेबल है वो भी आपके डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लेबर वगैरह, आपकी स्किल्ड लेबर, लेबर में भी स्किल्ड लेबर चाहिए आपको, तो वो अवेलेबल है या नहीं है। और लास्ट का मार्केट प्राइस है कॉम्पिटिशन, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है और कॉम्पिटिशन क्या कह रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है, जो कॉम्पिटिशन प्राइस रख रहा है उसमें प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये थे आपको कुछ फिजिकल और इकोनॉमिक अकाउंट, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सोशल अकाउंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।